हे गाइस वेलकम टू माय चैनल सो मैं टेरोड रीडिंग और आज की जो करंट एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की सो so, आज बेसिकली इस चीज़ को देखेंगे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि वही मैम मेरे पर्सन ने मतलब आपके पर्सन जो हैं वो आपसे बात कब करेंगे आपको कॉल कब करेंगे आपको मैसेज कब करेंगे जो भी इनर्जीज़ है वो देखेंगे कि क्या कब तक करेंगे कॉल मैसेज या फिर Uh, का बात है ना तो इसी चीज़ को आज देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी टैरो कार्ड में आज सिर्फ इसी चीज़ को देखेंगे चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सो so, चैनल को लाइक like, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट रीडिंग के लिए वेलाइकन well, को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए एंड ये जो रीडिंग है वो गर्ल बॉय मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं और किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं मैरिड रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप या फिर आपका कोई और रिलेशनशिप है आप उसके लिए भी देख सकते हैं इस रीडिंग को तो करंट एनर्जीज़ क्या है इसको चेक करेंगे राशियाँ मैं आपको बता दूंगी पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करूंगी उसके बाद फिर आपके एनर्जीज को चेक करेंगे फिर दोनों के लिए एक कार्ड निकालेंगे कि भाई दोनों की एनर्जीज़ क्या है एक या दो कार्ड जो भी होंगे इसमें देखेंगे एंड इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है so, सो कार्ड मैंने अच्छे से सफल कर ली हैं अब एनर्जीज़ को चेक करेंगे सो डियर गाइस की पेशेंस सो प्रेयर करिएगा एंजल से कि वो आपको जल्दी मैसेज करें और जो कार्ड्स हैं वो पॉजिटिव आए ठीक है कार्ड्स ले लेती हूँ मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक कर रही हूँ दिल तो थोड़ा कराया आपके लिए दिल तो थोड़ा कराया है आपके लिए आपके पर्सन का यहाँ पर इसमें तो कोई दो राय नहीं है और फीलिंग्स में लव है मोहब्बत आज भी है आपसे ये दिख रही है और मुझे लेकिन किसी चीज़ की ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी बात को लेकर कुछ आ, ऐसी बातों को लेकर बैठे हुए हैं ना जो जिसका मतलब कोई वो नहीं है अभी क्योंकि जब आप इतना प्यार करते हो जब आपकी इतनी फीलिंग्स हैं तो आप उन बातों को लेकर मत बैठो मतलब बातें ले बैठे हुए हैं शायद कुछ कुछ आपने कुछ बोल दिया था क्या पास्ट में कुछ आर्ग्यू हो गई थी या किसी बात को लेकर आपकी बहस या कुछ गुस्सा है क्या आपके पार्टनर कुछ तो ऐसी बातें हैं जो आज इतना टाइम हो गया है इतना समय हो गया है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होते होते उस चीज़ को लेकर बैठे हैं यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ यहाँ पर जैसे कि ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को देखकर कि भाई कंट्रोल कर रखा है खुद पर खुद के जज्बातों पर खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करता है ना कोई इंसान क्योंकि दिल जो है ना वो झड़क रहा है आपके लिए ठीक है और बिना बोले ऐसा लग रहा है कि जैसे चैन भी नहीं पड़ रहा है कंफर्ट फील नहीं हो रहा अच्छा नहीं लग रहा मन उदास उदास हो रहा है और आई थिंक जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस चीज़ में गॉड से भी प्रेयर कर रहे हैं कि भाई आ, प्लीज़ यूनिवर्स uh, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप ठीक करवा दो सही करवा दो लेकिन फिर भी uh, इतनी बा, किसी बात की कुछ ऐसी बातें जो आप दोनों के बीच में हुई थी पास्ट में या किसी को लेकर हुई थी किसी थर्ड पर्सन को लेकर या कोई फ़ैमिली मेंबर्स होंगे है ना उनके फैमिली मेंबर्स हों या या आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ उनसे कुछ ऐसा आ, कुछ वर्ड बोल दिए जो चुभ गए है ना कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं ठीक है और उनसे एक या दो बात ही वो पूरी मतलब बहुत टाइम तक लेके बैठे रहते हैं तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना उनकी फीलिंग्स में मुझे इमोशन तो दिख रहा है आपके लिए मतलब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई नाराज़ तो है मैम Uh, कुछ हुआ था कुछ बात हो गई थी फैमिली को लेकर थर्ड पर्सन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर बट क्या गुस्से के अंदर प्यार है अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली लव है यहाँ पर डेफिनेटली लव है यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैमरा ऐसे कर दूँ जरा ठीक है तो यहाँ पर भी लव है आप देख रहे हो कि दिल हथेली पर है आप खुद इस पिक्चर में देख सकते हैं दिल हथेली में है आपके पर्सन का ठीक है फीलिंग्स में लव है आपके लिए मोहब्बत है उनके दिल में आपको लेकर बड़ी मोहब्बत है बट वो दिल टूट गया है अब ये जो दिल इतनी बुरी तरह टूटा टूटा सा मेरे को दिख रहा है अब ये कुछ भी बात ऐसी हो सकती है जिन चीज़ों की वजह से उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कुछ ऐसी बाइप्स भी मिल रही हैं कि जैसे ये आ, किसी आ, ये जो पर्सन है आपके ये आपसे मिलना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं यहाँ पर एनर्जी आ रही है और जो मेरे को आ, जो उनको मेरे को एनर्जीज फील हो रही है तो यहाँ पर अपना लव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी मोहब्बत आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो पल शेयर करना चाहते हैं जो शायद आपने पास्ट में उनके साथ शेयर किया था कुछ लव मोहब्बत रोमांस जो भी चीज़ें हों आपकी है ना वो चीज़ें आज आपका पार्टनर उन चीज़ों को इमेजन करता है सोचता रहता है उन बातों के बारे में पास्ट के बारे में उन चीज़ों के बारे में फीलिंग्स लव आती है स्माइल भी फेस पर आती है लेकिन सारी बातें भी आपकी याद आती है लेकिन वापस जो एनर्जीज़ आती है ना वो एनर्जीज़ वो वाली हो जाती है कि भाई गुस्से वाली, सो so, मतलब वापस से उसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि मतलब भाई ऐसा ऐसा हुआ था बस ऐसा वैसा हुआ था उसने मुझसे ऐसे बोल दिया उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उसने ऐसे झगड़ा तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ठीक है थेके? तो जो आपकी अनर्जीज़ है कि मैम कब तक बात करेंगे अगर ये भी चीज़ें हैं मान लीजिए आपसे रेजोनेट हो रही है वैसे तो जनरल रीडिंग है बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं ठीक है नॉट पर्सनल लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैम ये चीज़ें हुई थी आपके बीच में नाराज़गी आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यू झगड़ा या किसी फैमिली मेम्बर्स की वजह से ऐसी बातें या कोई फ्रेंड सर्कल कोई ही हीशी कुछ भी हो सकता है तो वो चीज़ अगर हुई थी तो फिर अगर ये एनर्जीज़ है अगर आपकी तो आप देखेंगे कि भाई आ, बात कब करेंगे तो देखो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनकी जो एनर्जीज़ आ रही है इस कार्ड्स को डिफाइन भी कर लेंगे ठीक है सो मैं दो कार्ड ले भी लेती हूँ तो यहाँ पर जो उनकी एनर्जीज़ आ रही है बात तो वो आपसे करना चाहते हैं लेकिन एनर्जीज़ आपकी इस टाइम पर रुक गई है ठीक है एनर्जीज़ रुक गई है और जो एनर्जीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से आपका जो पर्सन है वो जल्द आपसे रीयूनियन करेगा क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में रुकी हुई हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर कर सकते हैं बहुत जल्द ठीक है एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि बहुत जल्द आ, वो चीज़ें पहले क्लियर करेंगे वो चाहे कॉल करें मैसेज करें या किसी के थ्रू करवाएं लेकिन यहाँ पर क्लियर करेंगे वो चीज़ों को आप यहाँ पर देख रहे हो वन वन टू ठीक है तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग वाली मेरे को दिख रही है ठीक है तो न्यू बिगनिंग कर सकते हैं आपके साथ एक न्यू एनर्जीज आपके साथ आ सकती है उनके ज़रिए ठीक है क्योंकि Uh, रही बात कॉल मैसेज करने की तो पहले वो उस बात को शेयर uh, आपके साथ उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर uh, करेंगे जो आप दोनों के बीच में हुई तो यहाँ पर मुझे यही सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द वो कुछ ऐसा करेंगे या तो किसी फ्रेंड सर्कल के जरिए किसी फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए या फिर खुद ही कोई कॉल या मैसेज या कोई किसी दूसरा नंबर बदल कर जैसे मान लीजिए ब्लॉक किया है आपको उनको क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि आपके साथ जो रियूनियन है उसको कर लिया जाए दूरियाँ असल में उनको भी बर्दाश्त नहीं हो रही उनको भी जैसे मैं दिखा रही हूँ ना आपको इस कार्ड में कि बहुत ज़्यादा दिन तक अब वो दूर नहीं रह पाएंगे अब वो कॉल या मैसेज करेंगे तो रियूनियन की चांसेस आपके उसमें रिलेशन में बहुत ज़्यादा है और जहाँ तक मैं इस एनर्जिस को देख रही हूँ काफ़ी सारे लोगों के पास का रियूनियन जल्द ही होने वाला है मैसेज या कॉल के जरिए वो बात करेंगे अगर उन्होंने उसी नंबर से बात नहीं की तो हो सकता है कि आ, किसी दूसरे नंबर से बात करें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ऐसी एंड किसी फ्रेंड सर्कल या कोई आ, ये भी हो सकता है किसी फ्रेंड सर्कल या किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू आपसे बात करवाए राशियाँ मैं बता देती हूँ कि आपके पर्सन की अगर राशि है ये तो कौन सी है क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है आपको लेकर ना बहुत पैशनेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उनकी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हो रही हैं आपको लेकर और वो खुद नहीं दूर रहना चाहते मतलब एक उतावलापन होता है ना जैसे कि पास्ट में आपको जैसे मैं बता रही थी आपको अभी भी देखिए दिल टूटा हुआ ही आया है तो प्रॉपर तरीके से लव है उनको और कमिटमेंट भी देना चाहते हैं और अगर दिया हुआ है पहले से तो स्टेबल होना चाहते हैं तो नाराज़गी बहुत जल्द ख़त्म होगी आप दोनों के बीच में अभी मैं राशि बता देती हूँ आप चेक कर लीजिए वृषभ कन्या और कैप्रिकॉन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर और मिथुन राशि तुला राशि और कुंभ राशि मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है सो ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही हो सकता है कोई मकर राशि भी हो आपकी ठीक है सो यहाँ पर मेरे को एनर्जीज़ ऐसी दिखाई दे रही है कि आपका पर्सन की मोहब्बत है आपके लिए लेकिन कुछ गलत फहमियाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूरियाँ हैं और लेकिन आपसे बात करेंगे बाकी का पर्सनली भी अपनी गाइडेंस ले सकते हो कि हाँ भाई पर्सनली तौर तो पर नेम से प्लेस से दिखवा सकते हो कि आप क्योंकि एनर्जीज तो अलग तो अलग होती है चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स कि आपकी क्या एनर्जीज है इस टाइम पर आप क्या फ़ील कर रहे हो आप तो लव चाहते हो उनसे स्टेबल होना चाहते हो मैं देख रही हूँ काफ़ी सैड हो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो मिशन को अपनी फीलिंग्स को एंड वेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा मैं आपकी जो एनर्जीज को देख रही हूँ आई थिंक आपकी कार्ड्स को देखकर मुझे लग रहा है कि uh, सेम स्ट्रेस आपको भी हो रहा है सोलमेट मेट कनेक्शन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपका और आपके पर्सन का क्योंकि सेम सिचुएशन जब हो रही है तो मींस कहीं ना कहीं सोल एनर्जीज है क्योंकि इस टाइम पर जो अनर्जीज़ आपकी दिख रही है उस अनर्जीज़ को अगर मैं देखूं तो पार्टनर की भी सेम यही सिचुएशन हो रही है उनका भी दिल धड़क रहा है तेजी से आपके लिए और आपका उनके लिए ठीक है दोनों मिलना चाहते हो दोनों स्टेबल होना चाहते हो लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर थर्ड पर्सन की जो भी चीज़ें उनकी वजह से दूरिया है लेकिन ये दूनिया बहुत जल्द नज़दीकी में बदलने वाली है इस चीज़ को आप तैयार रहें रेडी फॉर न्यू बिगनिंग आपके पार्सन के साथ आपकी होगी मैंने आपको नंबर्स भी दिखा दें यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट और ये जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएंगे एंड दिस नंबर ओके okay. सो so, ये जो नंबरिंग है नंबरों का खेल है यहाँ पर वन वन एनर्जीज है न्यू बिगनिंग है ठीक है तो इस टाइम पर जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं रेडी फॉर न्यू बिगनिंग मैं तो यही बोलूँगी पर्सन आपका कॉल है मैसेज बहुत जल्द करेगा वेटिंग एनर्जीज़ में है आप जो वेट ख़त्म होने वाला है इंतज़ार ख़त्म होने वाला है एक न्यू फ्रेश बिगनिंग होगी और अब दोबारा से ध्यान रखें क्योंकि एनर्जीज अगर एक क्लिक हुई तो तुरंत आपका जो रिलेशन है वो दोबारा से जुड़ जाएगा लेकिन ध्यान रखें कि जो बातें पास्ट में हुई जिनकी वजह से नाराजगियाँ हुई आपस में उन चीज़ों पर फोकस बना कर रखें ताकि वो चीज़ें अब दोबारा से ना आए सो डियर गाइज आई होप से कनेक्ट की होगी चैनल को लाइक like, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दूसरे रीडिंग के साथ में दोबारा मिलने वाली जय श्री राधे कृष्णा कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखा करिए डियर गायस एंड टेक केयर बाय बाय